Global advertisers scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका खास प्रोग्राम लेमन गुड मॉर्निंग के साथ मैं हाजिर हूं राजकुमार सिंह। शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। तो एक बार हम फिर हाजिर हैं तमाम अखबारों और तमाम खबरों के साथ और अपने होनहार सहयोगी संजय मिश्रा के साथ। तो चलिए चलते हैं संजय मिश्रा की तरफ और जानते हैं क्या कुछ आज की बड़ी खबरें हैं, जो आज की सुर्खियां और वो हैं जिनके जानने के लिए काफ़ी लोग उतावले बैठे हुए हैं। संजय जी, शुक्रिया राजकुमार और तमाम दर्शकों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दिन आज का दिनचर्या की शुरुआत होने वाली है, सूर्य देवता उत्तरायण पर हैं और अब चाय की जब गर्म गर्म चुस्कियाँ हो और ऐसे में अखबारों की सुर्खियाँ अपने समक्ष हो तो फिर बात ही क्या। रोज की तरह आज भी लेमन गुड मॉर्निंग शो में हम लाए हैं कई अखबारों को और आपसे रूबरू करवाएंगे कि किस अखबार के कौन से पृष्ठ पर किस खबर को सबसे ज्यादा जगह दी गई है। गरमाई सियासत, एफआईआर हुआ, आप नेताओं ने उकसाया था। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की रैली चल रही थी और उसी रैली के दौरान एक किसान जिसका नाम गजेंद्र सिंह बताया जाता है, गजेंद्र ने फांसी लगा ली, उस पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। उसके सामने खड़े वो तमाम लोग देखते रह गए मूक दर्शक बनकर और अब इस मामले की जो गूंज है वो संसद तक सुनाई दी। पीएम मोदी को भी इनिशिएटिव लेना पड़ा और उनको सामने आकर इस बात पर अपनी बातों को रखना पड़ा। सबसे पहले आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप मढ़ रही है कांग्रेस, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर, किसान गजेंद्र सिंह सुसाइड केस में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में मौके पर मौजूद रहे इंस्पेक्टर एसएस यादव के हवाले से यह लिखा गया है कि आपके नेता भाषण दे रहे थे और लोग ताली बजा रहे थे, एक आदमी पेड़ पर हाथ में झाड़ू लिए चढ़ा हुआ था, मैंने ताली बजा रहे कार्यकर्ताओं से उसे न उकसाने को कहा लेकिन स्टेज पर बैठे आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सहयोग नहीं किया। पुलिस ने उन लोगों को उस आदमी की सुरक्षित उतारने में सहयोग देने, जगह खाली करने और इमरजेंसी वाहन को वहां तक आने देने से रोकती रही, लेकिन वहां तक वे लोग सहयोग न करके ये कहते रहे कि पुलिस आम आदमी के खिलाफ है और लिहाजा अफसरों की मीटिंग में एफआईआर की धाराओं पर माथापच्ची हुई। धारा 304A यानी एक्सीडेंटल डेथ जिसे कहा जाता है वो लगाने पर विचार किया गया लेकिन बाद में आत्महत्या के लिए उकसाने, धारा 306 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है और अब एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने, धारा 186 और एक इरादे से काम करने यानी कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 आईपीसी की हम बात कर रहे हैं, ये इसके तहत ये आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने गुरुवार सुबह उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात के बाद कहा कि हमने ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। क्राइम ब्रांच की टीम गजेंद्र के गांव भेजी गई है जो पता लगाएगी कि गजेंद्र दिल्ली क्यों आए थे। उनके मोबाइल फोन की जाँच से पता लगाया जा रहा है कि यहाँ वो किसके संपर्क में थे। अब ऐसे में एक सुसाइड नोट जो बरामद हुआ था वो गजेंद्र के परिवार का कहना है कि जो मौके पर सुसाइड नोट मिला है वो दरअसल गजेंद्र सिंह का है ही नहीं। गजेंद्र के चाचा गोपाल सिंह और उनकी बहन ने गुरुवार को कहा कि इसमें गजेंद्र की लिखावट नहीं लग रही है। दिल्ली पुलिस फिलहाल लिखावट की
जांच में जुट गई है। गोपाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गजेंद्र को आत्महत्या से नहीं रोकने का आरोप भी लगाया। इसी बीच गुरुवार सुबह दौसा जिले के गांव नंगला यानी झामरवाड़ा में गजेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया अपने भावभीनी श्रद्धांजलि के तहत। आपको बता दें पुलिस ने आज यदि रिपोर्ट नहीं सौंपी गजेंद्र मामले में, गजेंद्र मामले की मजिस्ट्रेट जुडिशियल इंक्वायरी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के फौरन बाद नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीएम संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर घटनाक्रम की जानकारी मांगी, लेकिन डीसीपी विजय सिंह ने लेटर लिखकर डीएम से कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, ऐसे में जांच करने का उनका कोई अधिकार नहीं बनता। इसके बाद डीएम ने भी सख्त रुख दिखाया और सीआरपीसी और दिल्ली पुलिस एक्ट की तमाम धाराओं का हवाला देते हुए साफ कहा कि यदि पुलिस ने शुक्रवार सुबह 11 बजे तक उन्हें पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट नहीं सौंपी तो वे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला चलाएंगे। अब बन आई है डीएम वर्सेस डीसीपी। वहीं बीएस बस्सी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अलग है, केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली चलती है, ये कहावत सुनने को आ रही थी। ये मामला अलग है। अब इस सियासी मामले में एक किसान की तो जान चली गई है और अब सियासी रोटियां सेकनी तमाम राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है, चाहे वह कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ही क्यों ना हो। उन्होंने भी सांत्वना देने के लिए मौका वारदात का निरीक्षण किया और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की उन्होंने घोषणा की है। बहरहाल गजेंद्र सिंह का आत्महत्या मामला एक ऐसा मामला था जैसे लग रहा था किसी हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही है। एक तरफ जनसभा को, रैली को संबोधित किया जा रहा था कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता, दूसरी तरफ एक व्यक्ति हाथ में झाड़ू लिए, झाड़ू आम आदमी पार्टी की निशानी है, चुनावी निशानी है, और उस पार्टी का सिंबल यानी झाड़ू को हाथ में लेकर गजेंद्र सिंह पेड़ पर चढ़ गया। इससे पहले लोग समझ पाते कि गजेंद्र सिंह ने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवी मुंबई में फिर से एक बार एनसीपी का कब्जा, गणेश नाइक अपने उस गढ़ को बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। अंबरनाथ, बदलापुर में शिवसेना का वर्चस्व, औरंगाबाद में एमआईएम मुख्य विपक्षी पार्टी अपने आप में, हैदराबाद से निकलकर अपने राजनीतिक पांव पसारने में जुटी एमआईएम को लगातार सफलता मिल रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि जिस तरीके से औरंगाबाद में कुल 113 सीटों पर चुनाव हुए और जिसमें एमआईएम के खाते में 26 सीटें आई हैं, वहीं शिवसेना के खाते में 28 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 24 सीट आई है। कांग्रेस को 10 पर सिमटना पड़ा। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 4, एनसीपी के खाते में 3, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले साहब की पार्टी के खाते में 2, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में 16 सीटें औरंगाबाद महापालिका चुनाव के चुनावी रुझान के बाद ये देखने को मिला है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि एमआईएम औरंगाबाद महानगर पालिका में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है। वहां शिवसेना को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई है, कुल 28, जबकि एमआईएम के हिस्से में 26, बीजेपी 24, यानी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है एमआईएम ने। ये एक अभूतपूर्व जीत कही जा सकती है एमआईएम, जिस एमआईएम पर कई बार आरोप लगाए गए कि एमआईएम मुस्लिम युवाओं को भटकाने का काम कर रही है, एमआईएम मुस्लिम युवाओं को ड्रग्स परोसने का काम कर रही है। नीतीश राणे जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया था। इसके साथ साथ जिस तरीके से गत विधानसभा चुनाव में एमआईएम के 2 उम्मीदवार महाराष्ट्र में अपना खाता खोलने में कामयाब रहे, तो अब महापालिका के इस चुनाव में मुख्य विपक्षी भूमिका में दिखाई देगी एमआईएम, जिसके खाते में 26 सीटें मिली हैं। एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और बीच में एमआईएम ने तमाम लोगों के छक्के छुड़ा दिए मानो। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अंबरनाथ महानगर पालिका, कुल सीटें 57, शिवसेना के हिस्से में 25 सीटें, बीजेपी के हिस्से में 10 सीटें, एनसीपी 5, कांग्रेस 8, एमएनएस 2, निर्दलीय 7।
यानी कुल मिलाकर 57 में से 25 सीटें शिवसेना के हिस्से में गई है। अतः हमें यह स्वीकार करना होगा कि शिवसेना अंबरनाथ महानगर पालिका में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की यदि बात करें, कुल 111 सीटें जिस पर चुनाव हुआ, और जब चुनावी रुझान आया तो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गणेश नाइक साहब, जिसका गढ़ कहा जाता है नवी मुंबई, उस नवी मुंबई में एनसीपी का परचम लहरा पाने में कामयाब रहे हैं गणेश नाइक। एनसीपी के हिस्से में 52 सीटें, शिवसेना 38, कांग्रेस 10, बीजेपी 6, निर्दलीय 5। बीजेपी के हिस्से में तो इतनी कम संख्या में सीटें आई हैं कि ऐसा लगता है कि अब मोदी लहर नाम की चीज जो धीरे धीरे जो है वह अपने धुंधलाहट में तब्दील हो रही है, जो छवि है वो धीरे धीरे हट रही है, चूंकि लोगों के जहन में जिस प्रकार से मोदी मोदी और चारों तरफ मोदी मोदी का जो मोदी मोदी की जो गूंज थी, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बेमिसाल जीत कायम की। बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो कुछ हद तक थोड़ा सा डाउनफॉल, लेकिन अब महानगर पालिका चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जो हार का सामना करना पड़ा, वो एक बुरी खबर कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, नवी मुंबई महानगर पालिका में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कुल 52 सीटें हासिल हुई है एनसीपी को, शिवसेना 38, कांग्रेस 10, बीजेपी 6, निर्दलीय 5। बदलापुर नगर पालिका की यदि बात करें, कुल 47 सीटें हैं और यहां पर भी शिवसेना को बाजी मारने में कामयाबी मिल चुकी है। बदलापुर नगर पालिका में भगवा लहराएगा, इस बात को स्वीकार करना होगा, क्योंकि 47 में से 24 सीटें शिवसेना के हिस्से में गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 20, एनसीपी 2, निर्दलीय 1 और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। तो जिस तरीके से गुरुवार को घोषित किए गए चुनाव परिणामों में एनसीपी ने फिर नवी मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर लगभग कब्जा जमा लिया है। एनसीपी की कुल 111 में से 53 सीटें मिली हैं। नवी मुंबई में सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा, बीजेपी ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके केवल 6 उम्मीदवार जीत पाए। नवी मुंबई में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, शिवसेना ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके 37 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। पिछले चुनाव की तुलना में शिवसेना को इस बार नवी मुंबई में 20 सीटें ज्यादा मिली हैं। वहीं अंबरनाथ महानगर पालिका पर शिवसेना अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रही। अंबरनाथ में शिवसेना बीजेपी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ी थी, यहां बीजेपी का प्रदर्शन इस बार सुधरा है। पिछले चुनाव में उसका एक उम्मीदवार जीता था, लेकिन इस बार उसके 10 उम्मीदवार जीते हैं। कुलगांव बदलापुर नगर पालिका के चुनाव में भी शिवसेना 47 में से 24 सीटें जीतकर नंबर 1 पर रही। बदलापुर में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। औरंगाबाद महानगर पालिका में शिवसेना सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है और उसे 29 सीटें मिली हैं। वहीं MIM, एक बार फिर हम आपको बता दें कि MIM 25 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है औरंगाबाद में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मुंबई से जुड़ी हुई है, नव भारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर यह खबर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। खबर सुनील मेहरोत्रा की है, सीनियर जर्नलिस्ट। मुंबई पुलिस ने एक मॉडल के साथ रेप के आरोप में गुरुवार को साकीनाका के 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। जॉइंट सीपी देवेन भारती ने गुरुवार को ये इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि इस केस की आगे की जांच MIDC क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया गया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में खतापे और सूर्यवंशी सहायक पुलिस निरीक्षक हैं, जबकि कोडे नामक एक पुलिस सिपाही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक मॉडल कोऑर्डिनेटर ने एक मॉडल को बुधवार रात अंधेरी के इन में उसकी असाइनमेंट के लिए बुलाया। मॉडल वहां कुछ समय बाद पहुंच गई। वहां जाने के बाद उससे होटल के कमरे में चलने को कहा गया। मॉडल ने कमरे में जाने से मना कर दिया, फिर अपने फ्रेंड को उसने कॉल किया। कुछ मिनट बाद उसका फ्रेंड होटल में आया, मॉडल उसके साथ जाने लगी। तभी एक गाड़ी ने मॉडल और उसके फ्रेंड को घेरा, उन्हें साकीनाका पुलिस स्टेशन ले गए, जहां आरोप है कि आरोपित पुलिसकर्मियों ने मॉडल के साथ मोलेस्टेशन किया और दोनों के साथ लूटपाट की। मॉडल की डायमंड की अंगूठी छीन ली गई। यही नहीं, पुलिसकर्मियों ने उसके दोस्त के पास से 4 लाख रुपए कैश भी छीन लिए। मॉडल गुरुवार को पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर
देवेंद भारती से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने इसके बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ फौरन FIR दर्ज करने का फैसला सुनाया। दिल्ली के निर्भया हत्याकांड के बाद मॉलेस्टेशन को भी रेप माना गया है, इसलिए राकेश मारिया ने इन तीनों कर्मियों के खिलाफ रेप के जो चार्जेस हैं वो जोड़ने का आदेश जारी किया है। देवेंद भारती ने कहा कि हमने फैसला किया है कि कोई भी पुलिसकर्मी यदि वर्दी को इस तरह बदनाम करेगा और कानून को अपने आप अपने हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार यह देखा जा रहा है कि वो उस कहावत को चरितार्थ होते देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक गंदी सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से साकीनाका पुलिस स्टेशन के कुछ तथाकथित बलात्कारी पुलिसकर्मियों ने इस घृणित वारदात को अंजाम दिया है। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ के हवाले से जो खबर हम आपको बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर जिसका उल्लेख किया गया है कि दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद मोलेस्टेशन को भी रेप के समकक्ष माना गया, और यही कारण है कि कथित आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने और मुंबई पुलिस के सह पुलिस आयुक्त यानी जॉइंट पुलिस कमिश्नर देवेंद भारती ने मोलेस्टेशन नहीं बल्कि रेप के चार्जेस लगाने का आदेश जारी किया है। और ये जो खबर है अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। जिस पुलिस को रक्षक की उपमा दी गई है, यदि वही पुलिस भक्षक बन जाए और अपनी अमानवीय हरकत का परिचय दे तो इससे इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि पुलिस अब लगभग जो पीछे का जो स्वरूप है अब वह उसका चरित्र बाहर आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम भ्रष्टाचारी कथित पुलिसकर्मियों की ये पूरी करामत है जिसके कारण इस पूरे मामले में 5-स्टार होटल में मॉडल से रेप हुआ। एक बार फिर बता दे, 2 API और 1 पुलिस सिपाही समेत 6 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस थाने में बनाया पीड़िता को बंधक, 4 लाख की ली फिरौती। और ये मंगलवार की रात की पूरी कवायद है। जिस तरीके से एक मॉडल को जबरन कार में बिठाया जाता है और उसे पुलिस थाने लिया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि पुलिस थाने ले जाके उस पुलिस अधिकारी ने अपने वर्दी का रौब दिखाया, और ना सिर्फ वर्दी का रौब दिखाया बल्कि अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करके पीड़िता को तो तकलीफ दी ही दी, पीड़िता के साथ जो व्यक्ति उससे भी 4 लाख रुपए की वसूली के आरोप लगे हैं। बहरहाल मुंबई पुलिस की DCP CID जो MIDC क्राइम ब्रांच है वो एक इकाई है और ये इकाई इसकी जांच कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन यकीनन इस अब मामले की जब से ये अखबार में खबर छपी है तब से लेकर चंद समय पहले हमने कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी ली थी, इसकी चौतरफा छिछुआ लेदर हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोविंद पानसरे कम्युनिस्ट वरिष्ठ नेता, उनकी हत्याकांड का जो जांच का जो जिम्मा है वो अब SIT को सौंपा गया है। कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या की जांच SIT के हवाले कर दिया गया। राज्य अपराध जांच विभाग के अपर पुलिस महासंचालक संजय कुमार को SIT का प्रमुख बनाया गया है। गौरतलब है कि पानसरे की हत्या के कई महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस हत्यारों का सुराग तक नहीं लगा पाई। पुलिस की असफलता को देखते हुए सरकार ने इस हत्याकांड की जांच SIT को सौंप दी है। और अब इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि गोविंद पानसरे की हत्या आखिर किसने करवाई। बढ़ते अगली खबर की ओर, और यह भी खबर होश फाख्ता कर देने वाली खबर है। इस खबर को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक मां ने अपनी बेटी के साथ अपने सगे बेटों से रेप करवाया। और मामला जो है वह मुंबई के वडाला इलाके का है, और वडाला टर्मिनल पुलिस ने इस मामले में कथित आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन एक मां ने और एक मां और बेटी का जो रिश्ता होता है वो कितना अटूट होता है और उस रिश्ते को किस तरीके से तोड़ा गया, इसमें कई बार तोड़ा गया, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। वडाला TT पुलिस ने रिश्ते को तार तार करने वाले 2 भाइयों को मां के साथ गिरफ्तार किया है। 2 भाइयों पर सगी नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करने का आरोप है, जबकि मां पर बेटों की करतूतों को छुपाने का आरोप लगा है। वडाला में रहने वाली
11 और 16 साल की दो नाबालिग बहनों ने एक सामाजिक संगठन की मदद से वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि दो सगे भाई मिराज आरिफ शेख, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास बताई जा रही है, और उसका दूसरा भाई जीर आरिफ शेख, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है, उन्होंने अपनी दोनों बहनों के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। यह खबर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने जब इस खबर को हम कवर करने के लिए उस जगह पर पहुंचे थे तो हमारा जो कैमरा है वो हमें जवाब दे रहा था, क्योंकि मामला यहां पर था। खबर तो आए दिन हम कवर किया करते हैं, लेकिन यहां पर जो वारदात घटी है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर कही जा सकती है, क्योंकि यहां सगे भाई और बहनों और मां का जो समावेश है कि दो बहनें कराहती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन इस कलयुगी मां ने उस रिश्ते को कलंकित कर दिया। अपने दो बेटों को अपनी बेटियों के साथ जिस तरीके से इस पूरी वारदात बलात्कार की कवायद देखी जा रही है, यकीनन या तो यह थोड़ा सा उनकी मानसिकता का परिचायक कहा जा सकता है, या फिर इस खबर में क्या कुछ निकल कर आएगा इस पर हमारी पैनी नजर है। बहरहाल हम आपको बता दें कि पीड़ित बहनों ने जब अपनी शिकायत मां से की तो मां कुर्सिता आरिफ बेगम, जिसकी उम्र 49 साल के आसपास बताई जा रही है, उसने भाइयों की करतूतों को छुपाने की कोशिश की। वो अपने बेटों को दोषी न मानते हुए बेटियों को ही टॉर्चर करने लगी। पिछले 4 साल से बड़ी बहन और अपने भाइयों के अत्याचार को वो सहन कर रही थी। इसी बीच दोनों भाई छोटी बहन के साथ भी अत्याचार करने लगे तो उसने अपनी मां से सारी बातें बताई। मां शिकायत करने वाली छोटी बेटी को ही मारने पीटने लगी। इसके बाद उसकी बड़ी बहन ने अपने भाइयों और मां के अत्याचार को सहन नहीं करने का निश्चय किया। दोनों ने वडाला में सोशल वर्कर वहीदा से संपर्क किया और अपनी आप बीती सुनाई। वहीदा ने सामाजिक संस्था से जुड़े धर्मपाल के साथ मिलकर वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इन दोनों बहनों की जज्बों को सलाम है, क्योंकि एक की उम्र यदि 11 साल है तो दूसरे की उम्र 16 साल है, और ये दो नाबालिग बच्चियां जो अपने आप को महफूज समझती हैं अपने मां के सानिध्य में रह के, उसी मां ने उस बेटी की असमत को तार तार करवा दिया और अपने बेटों के महाबदौलत। तो अब मानवता की जो तमाम सीमाएं हैं, जो तमाम मर्यादाएं हैं, उसे यहां तोड़ा गया है और कई बार तोड़ा गया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मामले की जांच SIT को दी जाएगी, या फिर क्या इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द जो सबूत है वो इकट्ठा करके और इनके खिलाफ जल्द से जल्द इन्हें सजा दिलाया जाए, ये देखना अहम होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, बीजेपी की हार से नाइक की जीत। हमने आपको बता दिया मोदी लहर, भगवा लहर सबको फीका साबित करते हुए गणेश नाइक ने नवी मुंबई का अपना गढ़ बरकरार रखा। इसके अलावा 28 तक MBA में प्रवेश नहीं दे, खबर मुंबई वासियों के लिए है। बॉम्बे उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस साल मार्च में आयोजित हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CET के आधार पर MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने पर महाराष्ट्र के निजी कॉलेजों में 28 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति VM कनाडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने CET को चुनौती देने वाले एक छात्र की याचिका पर यह आदेश पारित किया। इसके पहले तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने अदालत को आश्वासन दिया कि उससे संबंध कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। उनके वकील आशुतोष कुंभकोनी ने कहा कि प्रवेश 28 अप्रैल तक नहीं दिए जाएंगे। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि कुछ निजी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके बाद अदालत ने सुनवाई कि अगली तारीख 28 अप्रैल तक प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो उन छात्रों के लिए यह खबर है जो MBA में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, और खास करके एयरपोर्ट को मिला है अवार्ड। अगली खबर, बॉम्बे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिजनेस क्लियरेंस के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के लिए दुनिया के सभी एयरपोर्टों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन बिजनेस के मामले में सभी एयरपोर्टों को पछाड़ मुंबई एयरपोर्ट ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट को सस्टेनेबिलिटी और प्रमाण
प्रणाम सेवा के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिल चुका है। दुबई में आयोजित कार्यक्रम में यूएई के सांस्कृतिक मंत्री शेख नयान बिन मुबारक अल नयान ने जीवीके के सीईओ राजीव जैन को यह अवार्ड दिया है। सामना शिवसेना के मुखपत्र सामना पर एक बार गौर कर लेते हैं। मूल्यों की मांग, विदेशी गाय काटने दो, जश्न तलाक, सऊदी में इंसानियत तलाक, हिरवा फुफकार कर भारी हुआ भगवा। तो अपने अंदाज में जिस तरीके से सामना के संपादकी पर एक बार गौर फरमा देते हैं, आपको रूबरू करा दें। भगवा को साथ, महाराष्ट्र में इन दिनों चारों ओर भगवा की घुड़दौड़ शुरू है। बांद्रा उपचुनाव के बाद अब संभाजी नगर महानगर पालिका पर भी शिवसेना भाजपा युति का भगवा एक बार फिर शान से लहरा उठा है। संभाजी नगर पालिका का यहां पर अर्थ है औरंगाबाद नगर पालिका, चूंकि पहली बार जब चुनाव प्रचार के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबाद पहुंचे थे तो उनके मुखारबिंद से औरंगाबाद की जगह संभाजी नगर निकला था, और इसीलिए शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगाबाद को पूरी तरीके से संभाजी नगर बता दिया गया है। और जिस तरीके से उसमें लिखा है कि नवी मुंबई महानगर पालिका के साथ ही अंबरनाथ बदलापुर नगर पालिका चुनाव में भी शिवसेना ने शानदार सफलता हासिल करते हुए जीत का परचम लहराया। नई मुंबई में सर्वाधिक सीटें भले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली है, फिर भी कल तक मुंबई को अपनी पारिवारिक जागीर समझने वालों की कमर वहां की जनता ने तोड़ दी है। शिवसेना के खाते में वहां पहले 16 सीटें थी, जिसमें इस बार 22 सीटें बढ़ी हैं। शिवसेना बीजेपी ने वहां कुल 44 सीटों पर बाजी मारी है। अंबरनाथ बदलापुर में तो शिवसेना ने अपने बलबूते सत्ता काबिज की है। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी। तो इस तरीके से एनसीपी का जो परचम था वो नवी मुंबई में हावी है, शिवसेना का अंबरनाथ बदलापुर और तमाम उन जगहों पर अपनी है, और शिवसेना को कहीं ना कहीं बढ़त मिली है, वजह चाहे जो भी रही हो। फिलहाल आज एक बहुत बड़ी खबर ये है कि आज क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है। आज वो 42 साल के हो गए। वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके नाम तमाम उपलब्धियाँ, तमाम अवार्ड हैं, और एक ऐसा अवार्ड भारत रत्न जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी उनको दिया गया है, और उसके लिए संविधान में परिवर्तन किया गया जिससे इनकी लोकप्रियता, इनके महत्व को समझा जा सकता है। और ये कैसे क्रिकेटर हैं जिनके साथ तमाम उपलब्धियां, तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और हमारी चैनल लेमन न्यूज़ की तरफ से भी सचिन तेंदुलकर को हार्दिक शुभकामनाएँ। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। Global advertisers scaling new heights in outdoor media.